Well, the shot not taken in the symmetry. The offensive assist will be on the referee. Would you have a condition? Oh, yes, central mentally. Group committee referee. और अपनी जीत की कभी कब सवाली है रेड पर आए हैं भरत सात नंबर की जर्सी पर लंबाई देखिए इस केस देखिए लंबाई में क्या भरपूर भाई की टीम क्या बेहतरीन टीम के साथ खेल लाई गई जहां पर रोका गया है भरत जैसे और कड़क छपकते ही रेडर पर डिफेंस ने जवाब कमल किया है तारीफ के काबिल लीजिए एक और थर्ड रेड नंबर 10 के रेड इस समय इंडियन नेवी की ओर से चले रेड पे लगातार इस समय बिन्ने नाम है बिन्ने रेडू गांव दालमवाड़ा जिला जींद हरियाणा से बिलोंग करता है स्टार प्लेयर है बहुत शानदार प्लेयर है किक ट्राई नीरज सुल्ताना पे और जबरदस्त किक ये वो टीम है जिसने हरियाणा में हर टूर्नामेंट में अपना नाम किया है अर्जुन तेजवाल लगातार यूपी योद्धा करेडा फिर एक बार रेट के कमाल देखा इंडियन नेवी के कोर्ट पर क्या खूबसूरत इस समय सबले करते हुए लेफ्ट पाई की टीम का डिफेंस जबरदस्त डिफेंस बहुत बेहतरीन डिफेंस वापस आ गए हैं और अब हर सात नंबर की जर्सी टीम से पॉइंट के पास क्या हाइट है कुदरत का बताया पोपा आजकल मैदानी लंबाई के लिए नए नए बच्चे जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा आपको ये विकास भाई लेकिन देखिए वो लंबाई है खिलाड़ी के पास कबड्डी के खेल है नंबर 7 के जो आसू मलिक गांव खानपुर जिला सोनीपत सात नंबर की जर्सी का प्लेयर बहुत ही शानदार रेडर दमक दिल्ली के लिए खेल चुका है रनिंग एंड टच की ट्राई सूर्या को लगा टच बेहतरीन टच मनजीत दैया गांव गढ़ी जिला सोनीपत से बिलोंग करता है प्लेयर बहुत ही शानदार प्लेयर मनजीत दैया प्यार से इनको तो उसका जाता और अनिल जैन जी साधना न्यूज पीडी साहू जी राज एक्सप्रेस पवन मिश्रा आनंद न्यूज कपिल नायक क्रांत न्यूज दोनों टीमों में शानदार प्लेयर दीपक साहू पब्लिक न्यूज राहुल बिन्ने जोधपुर एक्सप्रेस गोविंद यादव भारत बोनस की ट्राई जबरदस्त टच दो पॉइंट का जाफा क्या शानदार बेहतरीन रेड की है यहाँ पे बिन्ने रेडू ने गांव दालमवाड़ा जिला जींद दिलबाग धुल के शिष्य बन के खेल रहे हैं यहाँ पे अर्जुन देसवाल कड़ाके की टक्कर देखने में मिलेगी इस मैच में आपको बहुत दोनों टीमें बेहतरीन खेलती हुई यहाँ पे और एक वही खूबसूरत स्माइल मैं देख रहा हूँ मोनू भैया के चेहरे पर वाकई किसी ने सच कहा है मोनू भैया कि तेरे सूरत से नहीं मिलती किसी के सूरत हम जहाँ में तेरी तस्वीर दिए रेड आउट वाकई सारा यहाँ पे मोनू भैया इस समय लुत्फ लेते हुए कबड्डी की अच्छा खासा फुटबॉल लगातार खेलों के लिए और खेल ही रही तमाम जब भी आसिम मलिक किसी भी जरूरत पे मोनू भैया को आवाज देते हैं पूरे प्रदेश में कैसा युवा नेतृत्व है जो हमेशा से किसी भी जरूरतमंद के साथ खड़े होने की वो साहस वो हौसला वो संकल्प का नाम है मोनू पटेल जी बुला देता हूँ क्या शानदार टैकल अद्भुत खेल रही है इंडियन टीम और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मनजीत दहिया चले रेड पे बहुत ही शानदार रेडर हरियाणा स्टीलर का शानदार रेडर रह चुका है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जबरदस्त डैश देखने को मिलता है यहाँ पे आयोजन की सार्थकता को बढ़ा देती है तारीफ करनी होगी वो नजरिया है माननीय अध्यक्ष बोनस जरूर मिला लेकिन ओहो हो लाजवाब टैकल दोनों फाइट्स में गए यूपी का डिफेंस दहाड़ रहा है भरत जैसे प्रो कबड्डी स्टार को टैकल किया जिनकी कद काठी 6 फीट से ज्यादा जबरदस्त शारीरिक 6
सरकार समझ दिया है इस आयोजन में, इस बात के लिए भी बधाई के बात पर मीडिया शाखा अंकित मीडिया जब अपने सकारात्मक भूमिका अदा करती है तो तस्वीर ऐसे ही देखने को इनकी याद, लेकिन काम नहीं आया। सूर्या रनिंग हैंड टच की कोशिश, 16-8 का स्कोर। इंडियन नेवी बहुत ही जबरदस्त टीम भाई, जिला कैथल दशा दिशा तय होने से बात देगी। 10 नंबर के दर्शन में आशीष आय रेट पे शानदार कोशिश, लॉबी का इस्तेमाल करके 3.22 जबरदस्त कैच देखने को मिलती हुई यहाँ पे। जबरदस्त जद्दोजहद चलती हुई, बहुत ही बेहतरीन कैच, सुपर टैकल। सूर्य चले रेड पे, बहुत ही खतरनाक टीम पाई की। सूर्य उससे भी खतरनाक होता जा रहा और सेल्फ आउट हो गए यहाँ पे। जीतने चारों टीमों को समाते हैं, जैसी सबसे उद्घोष की स्कोर यहाँ पे टीम बहुत सारे मुकाबले संचालित हो रही है। इंडियन नेवी है 25-9 पॉइंट का ही यूपी में था, आसपास 16 पॉइंट का यूपी और था विपक्ष में। करें भरत की बात करें, आशीष की बात करें, ऐसे सितारे इस समय इंडियन नेवी के सबसे स्टार राइडर लेफ्ट मीडर इस समय नाम है भरत के समय याद जबरदस्त खिलाड़ी की भरत ब्रेक की कमान लेकर के डिफेंस में हाल फेंका, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में थे। जबरदस्त हाई होल्ड संजय दल द्वारा, बिन्ने सुपरस्टार रेड चले यहाँ पे रेड पे, बिन्ने रेडू गांव दालमवाड़ा जिला जींद हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। बोनस प्लस 1 पॉइंट पाइक टीम का स्कोर 14 और रेड आर्मी का स्कोर है 8 अंक। खतरनाक टीम दिखाई दे रही है यहाँ पे पाई की टीम रेड आर्मी, किसी भी किसी से कम नहीं है, लेकिन रेड आउट सेल्फ आउट हो गए यहाँ पे। अब उन सपनों को साकार होते हुए हम देखते हैं, चाहे वो नया प्लेयर ही क्यों ना हो, तो उन टीवी के सुपर स्टारों को हमने देखा है इस आंसू चले हैं रेड पे। वो असलम इनामदार से इनामदार जैसे ही रेडर क्यों ना हो, नितिन तोमर हो, नवीन अग्निश हो, पवन श्रावत हो, सिद्धार्थ देसाई हो, वो सभी खिलाड़ियों की हमने यहाँ सेल्फ आउट की है, उनका खेल देखा है। तो वाकई कबड्डी देखना है तो आपको हमारे शहर को गांव में आना होगा। मनजीत दैया चले हैं रेड पे, बड़े अपने समय के स्टार नीर गुलिया जी 2002 एशियन गेम्स बहुत ही बेहतरीन टैकल, बैक होल्ड 11 पॉइंट पे है यूपी जो था 27-11। इंडियन ने भी बड़ी लीड में सेशन, इंडियन ने भी ये लीड लिया किया तौर पे, अब तो धीरे धीरे ये चीज़ों पर इस बात में कोई दो राय नहीं है, सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है इस संस्करण का, इसे सीजन की जीत ही देखना होगा इंडियन ने भी। लेकिन अभी कई टीमें हैं जिनके पास दमखम है वापसी करने का, आपको बताते चले देश की इस बाबा धरती पे इतना बड़ा ये आयोजन की फलक माना जाए पटेल गुरु भैया और उनकी पूरी युवा टीम की बहुत ही खतरनाक डिफेंस पाई की टीम का साहब का सभी हमारे यहाँ के व्यापारी और दर्शकों का भी बहुत आभार और फिलहाल पहले हाफ में स्कोर पाई का 16 और रेड आर्मी का 9 अंक। बिन्ने रेडू रेड पे चले हैं,
जबरदस्त हाई होल्ड यहां पे अंकित जागलान लगाम नौलखा 27 पॉइंट पे इंडियन नेवी और 11 पॉइंट पे है जीपी गोता। अब क्या तकदीर बदलेगी और क्या यूपी योद्धा के सितारे अपने दांव फेंक के जबरदस्त किक कवर पे रोहित राघव द्वारा गुड़गांव से बिलोंग करते हैं वहां पर पटौदा करीब लाकर उन्होंने लाया और एक बेहतरीन पॉइंट लेकर गए सिटी के नजदीक इनका काम है। इस समय 28-11 धीरे धीरे लीग को काफी लंबा करती हुई अर्जुन देशवाल प्रदर्शन इंडियन ने भी तारीफ काबिल प्रदर्शन कहना होगा। इस समय जयपुर पिंक पैंथर के स्टार रेडर नंबर 5 के जो यहां भी स्टारों की तरफ खेलना पड़ेगा और सुजीत सिंह रनिंग हंटर जबरदस्त सुजीत सिंह प्रो कबड्डी का होगा। इस समय 10 नंबर के जैसे रेड की कमान लेकर के इंडियन नेवी की तरफ से आशीष आए हैं जबरदस्त एक्शन होल्ड विनर हेडू का रेड आर्मी की टीम वापसी करती हुई यहां पर जबरदस्त वापसी करती हुई जबरदस्त बोनस जयदेव शर्मा के लिए और पूरी टीम ने अर्जुन देशवाल चले हैं रेड पे 19 पॉइंट की बड़ी लीड के साथ अब ब्रेक के बाद जयंत देवी की तरफ से लेकर के एक नंबर के जर्सी में रेड की कमान एक ऑफिसर हो गए क्या गति है इस खिलाड़ी की विकास कंडोला और नवीन एक्सप्रेस की झलक नजर आती है। जबरदस्त थाई होल्ड करने की कोशिश बहुत जबरदस्त देखने को मिली लेकिन यूपी का डिफेंस किस तरीके से प्रत्युत्तर देगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। रोहित राघव डिफेंडर और ऑलराउंडर के पास अब देखी जाती है की गई है समय देखना होगा देखिए समय दो रेड खाली हो और कोशिश से निश्चित ही बड़ा करीबी मामला होगा। देखिए समय क्या खूबसूरत एंकर होल्ड मानो कि जिस तरह कोई चुंबक लोहे को चिपका लेती है वैसे ही एंकर होल्ड किया जा रहा है। बोनस की कोशिश तारीफ के काबिल प्रदर्शन राहुल ने बजा रहे किया इस समय तारीफ करनी होगी लगातार ये भी 31 पे यूपी योद्धा 12 पॉइंट पे 31-12 जबरदस्त माहौल है खेल के लिए और लगातार जबरदस्त एंकल होल्ड यहां पे मंजीत दैया द्वारा आसू मलिक का प्रो कबड्डी में भी कोच है अभी कंडोला जी और एक सूर्य चले हैं रेड पे कोच के तौर पे अपनी पहचान रखी हमारे कंट्री बॉक्स के ठीक सामने
देखिए कोच साहब खुश होंगे इस अगर प्रदर्शन से, टीम जैसा खेल रही है और प्रबल दावेदार मानी जा रही है चैंपियन बनने के लिए। अपने भी 7 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर भरत एक और स्कोर 13 अंक और पाई का स्कोर 19 अंक। भरत गोड्डा इनका पूरा नाम प्रो कबड्डी में इस मेडल में रह चुके हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं और यूपी जो था कि और ये होता है किसी संभाल डुपर रेड यहाँ पे ऐसे हमारे इंडियन नेवी के को इन करना पड़ेगा। अदानी सर का पूरा नाम है अनूप कंडोला जी, विकास कंडोला, अजीत कुमार जी देश के दिल्ली से प्रो कबड्डी में बेस्ट रेफरी भी रह चुके हैं, अजीत सिंह जी जूनियर नेशनल का प्लेयर बहुत जबरदस्त प्लेयर है, दिलीप सिंह जी एक एक नाम जहाँ पर बहुत स्पीड है इस रेडर में इस आयोजन को संचालित करते हुए तमाम व्यक्तित्वों को एक मंच पे जोड़ा है। क्या खूबसूरती से इस समय मुकाबला जीत लिया है 14-36 के बड़े फासले से, ये जीत है इंडियन नेवी ने, मानो इस समय क्या बेहतरीन जीत की इस समय शुरुआत की है इस मुकाबले में और क्या निरंतरता को जारी रख पाएंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लास्ट मोबाइल कॉल यूपी ने वाराणसी वर्सेस आसिफ सर हरियाणा कोर्ट कैप्टन की सेक्रेटरी यूनियन कोर्ट नंबर 1 अवसराज फारोज रेफरी सुरेश सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एम्पायर कुमार राजपूत मध्य प्रदेश, एम्पायर रामवीर सिंह, एम्पायर रघुवैनी रविंद्र यादव स्कोरर फ्रॉम मध्य प्रदेश, कुमार संजय सिरा हमारे बड़ा संकल्प और देखिए इस समय 22 वर्ष के क्या कहने की गति से निकलना चाहते थे जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा आप सभी को। बहुत ही शानदार माहौल है, अब 22 के लिए 7 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी रेड की कमान लेकर के सहयोग क्रीडा मंडल का और बेहतरीन इस समय डिफेंस में सहयोग देखने को मिलता हुआ इस वक्त रेड आर्मी की मुकाबला रेड आर्मी दिल्ली 25वीं पाई स्कूल 19वीं फासला 6 पॉइंट का रेड आर्मी की रेड 9 नंबर की जर्सी में जबरदस्त रेडर है नाम से हम आपको अवगत करा रहे हैं, कुछ ही क्षणों में रेड आर्मी के 9 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर आए हैं इस समय अर्जुन देखना होगा बेहतरीन खिलाड़ी इस समय अर्जुन देशवा, कल भी इन्होंने कमाल किया था खूबसूरती से इस खिलाड़ी ने, रेड आर्मी की टीम भी सितारों से सजी है जो प्रकार भाई देखे मनजीत सिंह जैसा बड़ा नाम है इस समय जो खेल रहे हैं राइट लेफ्ट लेफ्ट इन पे मनजीत सिंह देखना होगा बहुत जबरदस्त सितारा प्रो कबड्डी में पटना पायरेट्स और तमाम बड़ी फ्रेंचाइजी से खेल चुके हैं लेकिन इस बार ये रेड इस वक्त बात करें पाई स्कूल की एम्प्टी खाली रेड आती हुई फासला इस समय 6 पॉइंट का है
रे डार्विक 6 पॉइंट के लीड में इस वक्त, और अब रे डार्विक की तरफ से वापस से एक कमान लेकर के अर्जुन सर बेहतरीन सितारा है सर। प्रो कबड्डी में भी अपनी चमक, सुपर टैकल और है। अपार जन सलाह इस आयोजन में 22 स्पोर्ट्स के खिलाफ रे डार्विक की रेट, रे डार्विक रेट में है पाई का डिफेंस है, सुपर टैकल और रनिंग हैंड टच की कोशिश राइट कॉर्नर पे, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। अब एक बार फिर से लड़ाई है पाई स्कूल की, रोहित राघव की जबरदस्त रेड, दो अंक का इजाफा यहाँ पे। अर्जुन जैसा योद्धा दल से अपनी दहाड़ लगाता हुआ देखना है काफी खूबसूरत तरीके से अंतिम समय तक अर्जुन ने इंतजार किया अपने शरीर बुलाकर, क्या फैक्ट्री नहीं कि होल्ड विक्टर होल्ड किया मनीष ने, आज नंबर के रसी का लाजवाब सिखाया ऐसा हमारे कॉर्नर पे मनीष का यह हैकल, और अब 22 स्कोर के लिए 6 नंबर की रसी पे बेट की कमान लेकर आए हैं सब बहुत ही जबरदस्त से। रोहित के राफल आए हैं रेट पे, बेगौर बॉलियों से खेल चुके हैं रोहित स्कूल के इस समय टीम के प्रतिनिधित्व करते हुए, और 5 नंबर की रसी में रेड आर्मी के लिए नाम है नीरज, एक नीरज गुड़िया जी जो कि अपने समय के दिग्गज कबड्डी के खिलाड़ी मंच पे है, माननीय तालुक सिंह पटेल साहब के साथ लगातार उनकी चर्चा होती हुई, और नीरज गुड़िया साहब का बड़ा योगदान भी है शायद में, उन्होंने सहयोग किया है 2002 एशियन गेम्स साउथ कोरिया भारत को गोल्ड मेडल दिला चुके, और ब्रेक भी कमा लेकर आए हैं सर। बात करें पाई स्कूल की तरफ से बैटिंग साइड की कोशिश तमाम स्किल के, ये है मेरे सुझाव का बिना रेडू इस तरह देखना होगा 11 नंबर की जर्सी पर, मैं बता दूंगी बिना रेडू 11 नंबर के जो रेडर है तेलुगु टाइटन से उन्होंने खेल का प्रदर्शन दिखाया था, आज हमारे सामने और देखिए इस समय देखिए रेट की कमाल संभाली है नंबर 1 के खिलाड़ी ने, और भी रेट की ओर से लॉर्ड डिफेंस देखें तो उस समय लोगों की चेन बैठाई के करीब बस डिफेंस को भाप कर और बस जायजा लेकर के वहां पर और थर्ड है इस समय दुनिया रेड है रेड पे काम तालम बड़ा जिला जीत का स्टार प्लेयर खेल का शानदार प्रदर्शन किया था, और देखा है श्रीराम शहर में लॉर्ड का तो पूरा टैंकर हो खबर है वहां पर कोई मौका नहीं था रेड के पास, और विकेट की वापसी हुई है जिम्मेदार भाई जिन्होंने एक रन फिलहाल इससे विशेष रन से एक बड़ा सुधारा पटना पायलट की तरफ से खेल चुके का है प्रदीप नरवाल के साथ सपोर्ट रेडर की भूमिका, लेकिन मंजीत अंगारों पे पांव रखने के बराबर यह रेड है, आगे कुआं पीछे खाई दे टू अटाई निगाह है रखना पड़ेगा वालों इस रेड में कुछ ना कुछ होगा, या तो रेडर पॉइंट लाएंगे या बाहर जाएंगे मंजीत, वक्त निकलता मुश्किलें बढ़ रही मंजीत की, लेकिन मंजीत को टक्कर दे दिया तो छोटी से एक वक्त लगा था मंजीत निकल जाएंगे, लेकिन डिफेंस आखिर लम्हों में आकर उन्हें दबोच लिया इस समय खूबसूरती से, और अब नंबर 7 की जर्सी का रेड की तरफ से रेड की कमान देखते हो, और बेहतरीन सितारा राहुल सर आज रेड ये भी चीज जो कबड्डी के सितारों के लाल सर प्रसिद्ध कहते हैं कबड्डी में 6 नंबर की जर्सी प्रसिद्ध करने की कोशिश आए हैं रेड की कमान लेकर के रोहित इस समय हाई स्कूल की तरफ से फासला सिर्फ 3 पॉइंट का है, क्या जबरदस्त मुकाबला, ओहो लाजवाब 5 गोल्ड 15 नंबर की जर्सी में रेड आर्मी का ये सितारा नाम है इनका अंकित, अंकित ने जबरदस्त हाई होल्ड किया इस समय
रेड पे है सूर्या, नाम है इनका सूर्या, ये एक फ्रॉड है। आर्मी में सूर्या का खेल की चमक देखते ही बन रही थी। आर्मी रेड के शानदार रेडर इस समय सूर्या नंबर 11 की हंसी पर बॉडी लैंग्वेज देखिए, थाई देखिए, कॉक देखिए आप सूर्या के। बाकी है बॉबी के बाद अब लगता है कि सूर्या ही थी और थर्ड रेड पर आए हैं अब सूर्या। देखना है सूर्या, अंधेरी रात है और आपको रोशनी खुद तलाश करनी होगी सूर्या, क्योंकि ये है ट्रू एंड डाई। आगे क्यों आप पीछे खाए फिलहाल देखना है बिल्कुल करीब। राइट हैंड के बिल्कुल देखता हूँ ठीक ठाक कर वहां कभी रनिंग किक को, ओहो इस बार देखिए क्या तो पूरा टैकल किया गया है। रणनीतियों के तहत इस समय चार बिठाया डिफेंस ने और बहुत ही शानदार तरीके से टैकल हुए और जाल में फंसे सूर्या। सूर्या को आखिरकार चमकने का अवसर नहीं दिया डिफेंस ने। भाई स्कूल के डिफेंस भी कई बड़े सितारों से सुसज्जित है, बात करें जिसमें आशीष मलिक के धबक दिल्ली, इसके अलावा कृष्ण भूल धबक दिल्ली, इसके अलावा विजय धबक दिल्ली और साथ ही साथ अपना पायलट से खेल चुके इस टीम में मलेश भूल है, विनय रेभू है तमिल तेलुगु टाइटन से खेल चुके और रोहित राघव वॉरियर्स, ऐसे सितारों से सजी टीम है भाई स्कूल। हल्के में ना ले स्कूल भले ही दिखाओ लेकिन मानो किसी महाविद्यालय के समय कबड्डी के विद्यार्थी हो। बड़ा थर्ड पे निगाहें रखना बटेगा वालों, जबरदस्त से मुकाबला इस समय सात नंबर की दूसरी में टू अढ़ाई रेट लेकर के आशु मलिक प्रो कबड्डी का जबरदस्त स्टार ही आशु मलिक चार के डिफेंस में वक्त निकलेगा आशु की लेकिन क्या शानदार रनिंग है लेफ्ट कॉर्नर पे और श्रीकांत किया है आशु मलिक ने जबरदस्त इस समय रनिंग है। नाम है आशु मलिक और दिनों भर इनकी हुकूमत आज देखी जा रही है, क्या बढ़िया प्रदर्शन है नंबर सात के रहे समय जर्सी नंबर सात पर। इतना अच्छा मौका है, एक अगर अच्छी है की गई नाम भाई वो ऑलआउट की तहलीक करा सकती है और भी रहे देखता होगा फिलहाल नंबर सात की रहे डिफेंस आपका साथ पूरा का पूरा मौजूद। बढ़िया प्रयास अच्छा सबने और लीजिए इस समय रेट की तमाम सवाली है पॉसिबल हो गया। थैंक यू और थर्ड करो या मरो इस रेट पर अपनी परीक्षा है मेडल की। मंजीत जी जो अडाई पर फंसे थे जहां सामना नहीं कर सके डिफेंस का और फसल के लिए मंजीत जी बोनस और है खिलाड़ी के लिए जो कि सात खिलाड़ी को खिलाड़ी देखिए पलक झपकते ही शिकार पर टूटे हैं शिकारी न जाने कितनी दुआओं से जिंदा हो जनाब सौ शिकारी है लेकिन एक परिंदा हो उन शिकारियों के बीच फंसा ये शिकार और अब मौका है इस समय आशु मलिक ऑल आउट की तहलीफ पर लाकर खड़ा कर दिया है इस समय आज भी रेड की टीम के लिए लगातार अच्छा सप्लिंग करते हुए एक अच्छी कोशिश देखना होगा। आशु मलिक धीरे धीरे मिडलाइन के करीब मिडलाइन को क्रॉस करते हुए पॉइंट लेकर गए हैं और अब वही दबंग वाला अंदाज इस समय दबंग दिल्ली के इस रेडर का नाम है आशु मलिक। लेकिन आशु मलिक ने विपक्षी टीम के नाम के अनुरूप इस समय मानो आशु बहाने पे मजबूर कर दिया है 27-27 बराबरी पे मुकाबला स्कोर लाइन देखे 27-27 ईच क्या जबरदस्त मैच इस समय ऑल आउट की तरफ रेड आ गई सितारों से सजी थी। लेकिन आशु मलिक और तमाम डिफेंडर्स ने भाई स्कूल की संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं शानदार टैकल कोई कोशिश नहीं की लेफ्ट कॉर्नर ने जैसे ही इनको लोड किया अब लीड में आ गई है भाई स्कूल थी। हेलो लास्ट फाइनल कॉल यूपी इलेवन वाराणसी से शास्त्री जी वजह बहुत कैप्टन ने सेंट्रल टीम लीड टीम कोर्ट नंबर 3 अंशुला फारूस रेफरी सुरेश सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश एम्पायर अरुण कुमार राजपूत फ्रॉम मध्य प्रदेश रामवीर सिंह एम्पायर फ्रॉम श्री वीरेंद्र यादव स्कोर फ्रॉम मध्य प्रदेश सुभाष चंद्र जरा शास्त्री को हरियाणा जल्दी आ जाएगा इसके बाद अभी हमारे और मैच के लिए जाने आपसे निवेदन कृपया चिंता करें यूपी इलेवन वाराणसी शास्त्री को हरियाणा
जोर से मुकाबला कमजोर दिल वाले वैष्णवे के स्कोर बराबरी पे 30-30 का स्कोर रेड आर्मी वर्सेस मुकाबला भाई स्कूल आमने सामने है क्या कहते हैं अब धीरे धीरे इस समय हमारे स्कूल बोनस प्लस 2 पॉइंट तूफानी सुपर रेड करती है इस समय अब भाई स्कूल ने मानो स्कूल से महाविद्यालय तक का सफर तय कर लिया हो क्या जबरदस्त शुरुआत की है समय सेकंड हाफ में आज के जरूर में भी हमारे तीन मैच अभी और खेले जा रहे हैं जो कल मॉर्निंग हमारा सेशन होगा वो ठीक 12:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा और शुरू होगा वो संभागीय महिला फाइनल से ठीक 12:30 बजे खेला जाएगा ये सभी पार्टिसिपेंट और जो टीमें महिला फाइनल पहुंची हैं कृपया वे ध्यान दें 12:30 बजे संभागीय महिला का फाइनल खेला जाएगा और वो मैच जो है इसी निर्णय के अंदर इसी मैच में होगा इसलिए ये ध्यान रखें वो महिला का सेमीफाइनल मैच इसी निर्णय के अंदर खेला जाएगा उसके बाद हमारे क्वार्टर फाइनल मैच शुरू हो जाएंगे जो पहला क्वार्टर फाइनल मैच होगा ये पिच पर होगा कि टीमें कृपया ध्यान दें कल हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है समय का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए 1:30 बजे पहला 2 बजे दूसरा क्वार्टर फाइनल 2:30 बजे तीसरा क्वार्टर फाइनल जबकि 14 क्वार्टर फाइनल ठीक 3 बजे होगा 4 बजे हमारा पहला सेमीफाइनल और 4:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल सॉरी 4:30 बजे संभागीय फाइनल होगा और उसके बाद ठीक दो पॉइंट का जाफा और करके बिन्ने रेडू रेड आर्मी की टीम को यहाँ खतरा पैदा कर दिया पाई टीम ने स्कोर बढ़कर 37-32 पलंटी की गार पे टीम रेड आर्मी युवाओं में जिनकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता ऐसे माननीय बड़ी नागेंद्र सिंह जी पटेल दोनों भैया का कल जन उत्सव होगा कहा देखना होगा इस समय डबल 5 वोल्ट की है लेकिन भाई स्कूल के आंसू मलिक कहा उठने वाले हैं शानदार गति फिटनेस पूर्वा अनुमान और पॉइंट लेकर आए हैं सर भाई स्कूल अब जाकर पहुंच गए हैं 38 पॉइंट पे और रेड आर्मी है 38 पास में 6 पॉइंट के लीड में आगे भाई स्कूल निर्णायक बढ़त है जुल्फिकार भाई ने आखिरी लम्हों में भाई स्कूल के जाबाज सितारों की एक बार फिर आउट की पहले ही बनाई है आज रेड आर्मी यहां पे आउट होती हुई अब तक हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने इस मैच की पूरी पढ़ाई कर ली है बखूबी जांच किया है अब सारे के सारे उन खिलाड़ियों के लिए धन्यवाद हमारा मंच का और मुतासर पूरी टीम इस समय मनोव्या की रुड़ाई अब देखिए सर 41-33 निगाहें रखिए मुकाबला इस और रोमांच से और क्रोध कर देने वाला 22 स्कूल अब वक्त काट रही है जानते हैं कि लीड में है टीम इस समय और लीड इस वक्त बात करें 8 पॉइंट की लीड में 22 स्कूल इस वक्त 8 पॉइंट की बढ़त आखिरी 4 मिनट का संकेत हमारे ऑफिसर्स का अंपायर इस मैच के उसके जी पांडे अरुण कुमार जी और साथी साहब इस समय और तेज प्रसाद सर अरविंद जी शर्मा पूरी टीम जिस सर के मार्गदर्शन में एक बहुत भारी हेड कोच दामोदर जी जो रेड राउंड होता है हमारे सभी ऑफिसर का भी आभार और क्या लाजवाब शब्द समय के लिए आश्रम मलिक जिन्हें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा था उन्हें नजदीक निगाहों से देख लो गोटेगा वालों आश्रम मलिक आए हैं रेड की कमान लेकर के ये सपना मोनू भैया ने हकीकत में मानो बदल दिया हो आश्रम मलिक रेड की कमान लेकर के जबरदस्त ये कारवा खेल का 42-33 9 पॉइंट की लीग में 22 स्कूल इस समय और 22 स्कूल के लिए और मुकाबले में सिर्फ 3 मिनट चित्रकार भाई भाई स्कूल के खिलाफ अब बहुत मुश्किल बात करें प्रतिद्वंदी टीम के लिए पैदा करती है भाई स्कूल के सितारों ने जैसे कि मैं बात करूं विनाश जी इस समय अगर विनय रेडू की बात करें तो इसमें एक लौटे रेडर है यानी कि एक स्टूडेंट और ये थर्ड है इस समय टू और टाइम अब देखना होगा इंतजार करना होगा उस समय का
आर्मी रैंक के डिफेंस के लिए या आर्मी रैंक का डिफेंस अपने धरतरों पर काबू रख पाएगा, क्योंकि रेड की कमाल लेकर इस समय जर्सी नंबर 6 पर या खूबसूरत रेडर इस समय रोहित राघव बंगाल वॉरियर्स की जान देखता है। रोहित रोहित लगातार सपने करते हुए इस समय 2.5 पर है। धीरे धीरे क्या खूबसूरत है ऐसे कहते हैं जरा सही वक्त पर सही दिशा पर सही रास्ता चुनना। आज नंबर की जर्सी की निगरानी देखकर रोहित किया था रेड आर्मी की तरफ से जयदीप जो कि खेल चुके हैं प्रो कबड्डी में। अब फिलहाल 11 नंबर की जर्सी में रेड आर्मी की रेड बात करें आर्मी रेड के लिए सूर्य जबरदस्त नाम है। सूर्य आज चमके नहीं है और सूर्य का सेल्फ आउट हो गए ये ब्लू कलर के लिए मैं जाने की इजाजत लोगों में तभी है जब आप किसी डिफेंडर को टच करें। जनाब ये कबड्डी है मौका खेल है और अब देखना होगा इस समय 35-43 के स्कोर लीड में है इस समय बाई स्कोर 43 पे और ये फासला 8 पॉइंट की लीड में बाई स्कोर देखना होगा इस समय। एक अच्छी राइड करनी होगी याद करना होगा प्रतीक नरवाल उस सितारे के जिसके नाम पर है एक बड़ा स्कोर बस उसी खिलाड़ी को ध्यान में रखते हुए एक डुबकी लगानी होगी जहां पर शायद आर्मी रेड की बात हो सकती है। देखना होगा कि आप रेड की कमान संभाली है मनजीत ने। मनजीत निराश नहीं होना होगा प्रयास जारी रखना होगा लेकिन अब अंतिम एक मनजीत भी जानते हैं कि अब इस एक रेड पर कुछ नहीं हो सकता और किसी ने आपको कहा है मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। विकास जी मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा और उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। भाई स्कूल ने आज वाकई में क्या प्रदर्शन किया है तारीफ काबिल प्रदर्शन। और नंबर 11 के जो रेडर है विनय रेधो आज वाकई अपनी टीम को मुसीबत से निकाला है इस लौटे रेडर ने। और कोर्ट नंबर 3 पर एक खूबसूरत तस्वीर राहुल चौधरी देखे इस समय राहुल चौधरी कोर्ट नंबर 3 पर हम जिन्हें देख पा रहे हैं देखना होगा उसमें कोर्ट नंबर 3 की तस्वीर में क्या खूबसूरत तस्वीर होगी जहां पर हमारी हाईकोर्ट राहुल चौधरी हमें इस समय नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे अपनी कहानी बयान कर चुका है तेज लिया मुकाबला पाली स्कूल के जाबाज धुरंधरों ने फाइनल स्कोर देखे पाली स्कूल 43 पे और रेड आर्मी 35 यानी कि फासला इस मुकाबले में 8 पॉइंट के अंदर से पाली स्कूल ने ऐलान कर लिए हैं। इस मैच को निगाहें रखिए अभी और भी बड़े मुकाबले आने बाकी हैं वहाँ कोर्ट नंबर 3 पे राहुल चौधरी और कई बड़े स्टार्स नजर आएंगे जिनमें हमारी